Hey, hello everyone, how are you all today? So first of all, this is quick session on paper one revision. तो यहाँ पर क्या होता है, मॉर्निंग 10:15 को हम लोग रिविजन करते हैं फॉर पेपर वन. लाइव होता है ऑन यूट्यूब ऑन माई चैनल लर्निंग टू लर्न. सो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन, यू कैन ऑफ कोर्स ज्वाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई ऑल्सो टीच इन अन अकेडमी फॉर NTA UGC नेट सब्सक्रिप्शन. तो 31st से पहले पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ बाई यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज अदिति लाइव. ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट सेव अमाउंट यू आर गोइंग टू सेव इफ़ यू यूज़ माई रेफरल कोड. ओके, सो हम रिविजन तो कर ही रहे हैं एज यू कैन सी ऑन दिस पर्टिकुलर क्लासेस. सो आई थॉट ऑफ टेकिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम. ओके, तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स. जस्ट वन सेकेंड. यस. ओके, सो सबसे पहले ये सब मेरे बारे में, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी. और अन अकेडमी पर बहुत सारे नए क्लासेस आ रहे हैं फ्रॉम 1 सितंबर 2022 फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस. ओके, तो अगर आपको पूरा डिटेल शेड्यूल चाहिए तो आप अन अकेडमी पर आ सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं मेरा डिटेल शेड्यूल. उसके अलावा येस, यू कैन ऑलवेज यूज अदिति लाइव रेफरल कोड टू अवेल 10% डिस्काउंट, बट राइट नाउ इट इज़ 20% डिस्काउंट टिल थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट. ओके, सो आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं. एंड दिस माई प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी, आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं इस नाम से. मैं NTA UGC नेट कैटेगरी को पढ़ाती हूँ. मेनली आई फोकस ऑन कॉमर्स सब्जेक्ट्स. मैं मेनली पेपर वन और कॉमर्स पे फोकस करती हूँ. वन सेकेंड. ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डन सर्टन क्वेश्चंस रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लर्न टीचिंग्स. तो अभी हम यही कंटिन्यू करने वाले हैं. फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन गेट फोकस्ड इन विच लेवल ऑफ टीचिंग. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर हम फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं या हम कोई चीज़ याद करना चाहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होगा ऑफकोर्स मेमोरी लेवल में. सो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आएगा मेमोरी लेवल. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रादर देन इंटरैक्टिव. तो किस स्तर पे शिक्षक का, शिक्षक की भूमिका की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती है. ठीक है, मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, सॉरी ज्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स. ठीक है, तो ऑफकोर्स वो मेमोरी लेवल है. मेमोरी लेवल में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली बताया हुआ है कि यहाँ पर टीचर सब कुछ डिसाइड करता है एक स्टूडेंट के लिए कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें. अब द व्यू दैट टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में बी कैरेक्टराइज टू फॉल ऑन कंटिन्यूम रेंजिंग फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि स्मृति स्तर मतलब मेमोरी लेवल से लेके जो रिफ्लेक्टिव लेवल तक का ये लेवल है, राइट, या ट्रांजिशन है, राइट, तो वो किसने एडवांस किया था. तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका. अगर आपको नहीं भी पता तो आप थोड़ा सा गेस कर लीजिएगा एग्जाम के टाइम में. इट इज मॉरिसन. क्यों, सॉरी मॉरिस. मॉरिस क्यों? बिकॉज he was the person who transitioned help us transition from the memory level to understanding level. तो उन्होंने इस स्तर से लेके अगले स्तर तक हम लेकर गए. सो वो है मॉरिस. क्लियर, ये याद रखिएगा. Which of these is called as natural learning? ये आपने पक्का पढ़ा होगा. अगर आपने पिछले 2-3 साल के पेपर्स देखे होंगे तो आपको ये पक्का पता होगा. This is autonomous level teaching. ऑटोनोमस लेवल टीचिंग इज कॉल्ड नेचुरल लर्निंग. इसमें यह बताया जाता है कि अगर आप एक छोटे बच्चे को जंगल में भी छोड़ देंगे तो भी वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेगा. क्यों? क्योंकि बच्चा अपने एनवायरमेंट के आसपास ऑब्जर्वेशन से भी सीख सकता है, उसे किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती. तो हर एक इंसान में नेचुरल लर्निंग एबिलिटी होता है जिसके थ्रू वो काफ़ी कुछ सीख सकता है. तो यहाँ पर नेचुरल लर्निंग एबिलिटी किसमें होती, कौन से स्तर पे देखी जाती है? ऑटोनोमस स्तर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग. इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग से रिलेटेड है? ठीक है, थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, लर्निंग, सॉरी लर्नर कैन सॉल्व रियल लाइफ. अब मैंने शायद आपको
लास्ट क्लास में बताया था दो तीन बार, जब भी रिफ्लेक्टिव वर्ड आता है तो उसका की वर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये वर्ड्स यूज होते हैं वो रिफ्लेक्टिव लेवल से रिलेटेड होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, राइट। सो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, बी आएगा, क्लियर, बी आएगा। Reflective level of teaching is also known as, बहुत ही ईजी है, this is post-active phase. Post-active phase मतलब हमारे layers होते हैं of teaching, और मतलब process होता है। Process में जब सब कुछ सिखा दिया जाता है बच्चे को और बच्चा feedback देता है तो उसे हम post-active stage कहते हैं, जब teaching complete हो जाता है। तो यहाँ पर reflective level क्या है, post-active phase है। Next question. An open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchange will be most helpful. तो यहाँ पर information share हो रही है, information के बारे में बताया जा रहा है एक दूसरे को, यहाँ पर बहुत ज़्यादा interchange हो रहा है, communication बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर it will be reflective level. इसका आंसर बहुत ही सिंपल था बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार भी ध्यान से पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंड होगा तो एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, कि एक ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट, एक ऐसा शिक्षा का कक्षा का वातावरण या शिक्षा का वातावरण जहां पर क्या हो रहा है, शेयरिंग और केयरिंग हो रहा है, और बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन देयर इंटरचेंज व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ठीक है। सो दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। Teaching is an intimate contact between a mature personality and a less mature one. तो ये definition किसने दी थी, ये question पूछा है। अगर by chance exam में ये question आपको ना समझ में आए तो जो आपको सबसे best लगता है वही answer दे सकते हैं। Negative marking नहीं होती इसलिए आप एक guess तो लगा ही सकते हैं। So that is H.C. Morrison is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टीचर प्लेस अ वेरी डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेटिव रोल व्हाइल इंस्ट्रक्टिंग। द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स ओरल, रिटन, ऐसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। सो ये किस स्तर से रिलेटेड है ये पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। जब हम ये देखते हैं कि टीचर का एक्टिव रोल है, ठीक है, अभी दो क्वेश्चंस पहले ही हमने देखा था, वो था मेमोरी लर्न में। मेमोरी लर्न में टीचर सब कुछ डिसाइड करता है, स्टूडेंट एक पैसिव रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हेल्प्स टू बिल्ड थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक यूज ऑफ देयर एक्वायर्ड नॉलेज बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। द टीचर एक्सप्लेन्स द स्टूडेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स फैक्ट्स एंड टीचर्स, देन द प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो चीजें मिसिंग है, एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरी है मेमोराइजिंग, रिमेम्बरिंग, रोट लर्निंग, क्रैमिंग। तो क्योंकि रोट लर्निंग, मेमोराइजिंग, क्रैमिंग नहीं है तो ये मेमोरी लेवल का हिस्सा नहीं है। नेचुरल लर्निंग के बारे में बात नहीं की है तो ऑटोनोमस लेवल भी नहीं है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं की है तो रिफ्लेक्टिव लेवल भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर बाय चांस और कोई भी डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, विल डू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।